दोस्तों, आज हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के रूल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि सेक्शन 22 सबसेक्शन 27 तक, सेक्शन 22 से लेकर 27 तक डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ये सेकंड हेड है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, सेक्शन 22 से लेकर 27 तक डिफाइन किया गया है। इसकी हम इसको कैलकुलेट करने का तरीका है, सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से माइनस करते हैं म्यूनसिपल टैक्स। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से सबसे पहले माइनस करते हैं म्यूनिसिपल टैक्स। म्यूनिसिपल टैक्स इससे हमारी निकल के आएगी एनुअल वैल्यू, इससे हमारी कैलकुलेट हो जाएगी एनुअल वैल्यू सेक्शन 23 के तहत। और स्टैंडर्ड डिडक्शन उसमें से डिडक्ट की जाएगी, एनुअल वैल्यू का 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन डिडक्ट की जाती है। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन दी जाएगी, देन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट शुड बी कैलकुलेटेड। राइट, दो डिडक्शन इज एप्लीकेबल। पहली स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% और दूसरी इंटरेस्ट ऑन लोन की। अब इन सभी के बारे में हम लोग धीरे धीरे एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू के अंतर्गत ये देखा जाता है कि रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल है कि रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, या रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल है प्रॉपर्टी के ऊपर। अगर रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल नहीं है तो विच एवर इज़ हायर अमाउंट शुड बी टेकन टू बी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। राइट, तो म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और रेंट रिसीट में से जो भी अमाउंट हायर होगी इन तीनों में से, वो हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहलाएगी। राइट, जब अगर रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल है तो म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से विच एवर इज़ हायर अमाउंट को देखेंगे, और फिर अगर इनमें से जो भी हायर अमाउंट होगी उसको हम नीचे कंसिडर करेंगे, दैट इज स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, इन दोनों में जो भी कोई अमाउंट कम होगी वो हमारी लिखी जाएगी। एंड देन लोअर अमाउंट को में से माइनस करेंगे रेंट रिसीव, लोअर अमाउंट में से माइनस करेंगे रेंट रिसीव, तो विच एवर इज हायर रेंट रिसीव, लोअर अमाउंट में से माइनस करेंगे रेंट रिसीव, विच एवर इज हायर। ठीक है, तो ये हमारी जो है इससे हमारी ग्रॉस एंड वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे, ये देखेंगे क्वेश्चन के अंतर्गत कि रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल नहीं है या है। अगर नहीं है तो तीन में से कंपेयर करेंगे म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और रेंट रिसीव, विच एवर इज हायर। और अगर रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल है तो म्यूनसिपल वैल्यू का फेयर रेंट से कंपेयर करेंगे, हायर अमाउंट एंड हायर अमाउंट का स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे, लोअर अमाउंट एंड लोअर अमाउंट का रेंट रिसीव से कंपेयर करेंगे, हायर अमाउंट विच एवर इज लोअर विच एवर इज हायर कंसिडर हमारा ग्रॉस एंड वैल्यू कहलाई जाएगी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स में, ग्रॉस एंड वैल्यू टेकन टू बी नील तब जब प्रॉपर्टी यूज फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्पज, अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्पज के लिए यूज़ की जा रही है तो ग्रॉस एंड वैल्यू टेकन टू बी नील होगा। राइट, प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस पर्पज के लिए भी की जाए तो भी टेकन टू बी नील ही रहेगा। इफ प्रॉपर्टी वेकेंट फॉर एनी पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड ग्रॉस एंड वैल्यू टेकन टू बी फुल ईयर। ठीक है, अगर कुछ समय के लिए ओनर खुद रह रहा है, लैंडलॉर्ड खुद रह रहा है हाउस में, और कुछ समय के लिए उसने टेनेंट को किराए पर दे दिया है, तो ऐसी कंडीशन में सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 के तहत ये कहा गया कि ग्रॉस एंड वैल्यू टेकन टू बी फुल ईयर का ही कैलकुलेट किया जाएगा। इफ़ एसएससी ओन्स टू हाउसेज, अगर एक एसएससी के पास एक से ज़्यादा हाउस हैं, दो हाउसेस हैं, दो या दो से ज़्यादा उससे हाउसेस हैं, तो एंड बोथ प्रॉपर्टी यूज फॉर सेल्फ, और दोनों ही प्रॉपर्टी जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्पज के लिए यूज़ की जा रही है, तो इस केस में ये देखा जाएगा कि किसकी म्यूनसिपल वैल्यू हायर है और किसकी म्यूनसिपल वैल्यू लोअर है। अगर जिसकी म्यूनसिपल वैल्यू लोअर है तो सेक्शन 23 सबसेक्शन 4 के तहत डीम टू बी लेट आउट मान लिया जाएगा, और जिसकी म्यूनसिपल वैल्यू हायर है उसको सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 के तहत सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मान लिया जाएगा। राइट, क्लियर, उसमें से एक प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड मानी जाएगी और दूसरी प्रॉपर्टी को डीम टू बी लेट आउट मान दिया जाएगा जिसका म्यूनसिपल वैल्यू लोअर है। राइट, म्यूनसिपल टैक्स दूसरा हमारा आता है, पहले हमने किया था ग्रॉस एंड वैल्यू के बारे में हम डिस्कस किया, अब हम करेंगे म्यूनिसिपल टैक्स। म्यूनिसिपल टैक्स का रूल क्या कहता है कि म्यूनिसिपल टैक्स किसने पे किया है, ओनर ने या टेनेंट ने। म्यूनिसिपल टैक्स किसने पे किया है, ओनर ने या टेनेंट ने। अगर लैंडलॉर्ड ने पे किया है तो ये देखा जाएगा क्वेश्चन में कि वो पेबल है या पेड है, पेबल है या फिर पेड है। राइट, अगर पेबल है तो नॉट डिडक्टेड, उसको हम डिडक्ट नहीं करेंगे, और अगर पेड है तो उसको डिडक्टेड किया जाएगा आपका क्या नाम है ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से। राइट, फिर से एक बार समझते हैं, अगर लैंडलॉर्ड ने म्यूनसिपल टैक्स पे किया लेकिन वो टैक्स अभी भी पेबल वर्ड लिखा हुआ है उस क्वेश्चन के अंदर, अभी पेमेंट नहीं किया, पेबल है, ड्यू है लेकिन अभी तक पेड नहीं किया गया, तो ऐसी कंडीशन में डिडक्ट नहीं किया जाएगा। अगर पेड है तो ऐसी कंडीशन में उसे डिडक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, टेनेंट, अगर म्यूनसिपल टैक्स टेनेंट ने पे किया है तो उसको डिडक्ट नहीं करते, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से भी डिडक्ट नहीं किया जाएगा। फिर आता है, इसको डिडक्ट करने के बाद हमारी एनुअल वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। एनुअल वैल्यू पर हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन
कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन, जो कि एनुअल वैल्यू का 30% कैलकुलेट किया जाता है, जो कि एनुअल वैल्यू का 30% कैलकुलेट किया जाता है, राइट। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन को अंडर सेक्शन 24 में डिफाइन किया गया है। अब लोन किस पर्पस के लिए लिया गया है ये देखा जाएगा, लोन किस पर्पस के लिया गया है, सेल्फ ऑक्युपाइड पर्पस के लिए या लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए, सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए या फिर लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए। सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए गया तो प्री पीरियड प्लस पोस्ट पीरियड इंटरेस्ट को हम कैलकुलेट करेंगे। प्री पीरियड पीरियड प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट प्लस पोस्ट पीरियड कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट, दोनों पीरियड के इंटरेस्ट को हम कैलकुलेट करेंगे। फिर ये देखा जाएगा कि लोन कब लिया, 99 से पहले या 99 के बाद। अगर 99 से पहले लिया तो 30,000 रुपये, 99 के बाद तो 2,00,000 रुपए तक का एग्जम्पशन मिल जाएगा। लेट आउट प्रॉपर्टी अगर है, अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है तो ये देखा जाएगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है या फिर पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड पर लिया गया है प्रॉपर्टी। अगर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड पर लिया गया इंटरेस्ट और पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का टोटल इंटरेस्ट बनेगा, और जो जितनी भी इंटरेस्ट बनेगा वो फुली अमाउंट डिडक्टेबल है अगर किराए की चढ़ाई हुई प्रॉपर्टी पर, ठीक है। अब आता है लोन टेकन फॉर रिपेयर पर्पज। अगर लोन हमने रिपेयर पर्पज के लिए लिया है तो मैक्सिमम परमिशेबल डिडक्शन विल बी 30,000। परमिशेबल डिडक्शन कितनी होगी, 30,000 की ही हो रहेगी। अगर रिपेयर पर्पज के लिए है, चाहे वो 99 से पहले लिया या 99 के बाद लिया है, मैक्सिमम परमिशेबल डिडक्शन 30,000 रुपये ही रहेगी, ठीक है। अब प्री पीरियड कंस्ट्रक्शन, प्री पीरियड कंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं, पोस्ट पीरियड को कंस्ट्रक्शन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वो पीरियड होता है जब लोन लिया और जब सब मकान बनकर तैयार हो, उस समय तक के पीरियड को प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहते हैं। इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट ऑफ लोन जितना भी लोन लिया इंटू रेट, अमाउंट ऑफ लोन जितना भी लोन लिया इंटू रेट इंटू कंस्ट्रक्शन पीरियड कितने समय तक कंस्ट्रक्शन रहा, ठीक है, अपॉन 100 इंटू 12 इक्वल्स टू टोटल इंटरेस्ट हमारा कैलकुलेट होगा। टोटल इंटरेस्ट को हम 5 से डिवाइडेड करेंगे तो हमारा कैलकुलेट हो जाएगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया जाएगा, ठीक है। पोस्ट पीरियड कंस्ट्रक्शन, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट हमारा कैसे कैलकुलेट, अमाउंट ऑफ लोन इंटू रेट अपॉन 100, अमाउंट ऑफ लोन इंटू रेट अपॉन 100 करके कैलकुलेट कर दिया जाएगा हमारा पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट, राइट। इसके बाद देखते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE की। 80EE की डिडक्शन मिलती है उन प्रॉपर्टी पर, उन प्रॉपर्टी पर मिलेगी जो कि जब आपने हाउस प्रॉपर्टी 2013 और 2014 के बाद बनवाई गई हो, 2014 के बाद बनी हो प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है, प्रॉपर्टी की वैल्यू 50,00,000 से कम की है, प्रॉपर्टी की वैल्यू 50,00,000 से कम की है, लोन की अमाउंट 35,00,000 से कम है, और मैक्सिमम परमिशेबल डिडक्शन जो है ऐसे केस में 50,000 रुपये तक की और मिलेगी। मैक्सिमम परमिशेबल डिडक्शन ऐसे केस में 50,000 रुपये तक की और मिलेगी, राइट। एरियर ऑफ रेंट, एरियर ऑफ रेंट 25 सेक्शन 25 सबसेक्शन बी के तहत डिफाइन किया गया है। रेंट रिसीव में से 30% ऑफ रेंट रिसीव माइनस कर देंगे, रेंट जो भी रेंट रिसीव होगा, एरियर पिछला एरियर आया उसमें से जो भी रेंट रिसीव हुआ उसका 30% हम डिडक्ट कर देंगे टैक्सेबल वैल्यू, इसको और जोड़ दिया जाएगा आपके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत। कुछ एग्जेम्प्टेड इनकम्स है जैसे वन पैलेस सेक्शन 10 सबसेक्शन 19A के तहत एग्जेम्प्टेड है। लोकल अथॉरिटी यानी सेक्शन 10 सबसेक्शन 20 के तहत लोकल अथॉरिटी को दिया हुआ दी हुई प्रॉपर्टी एग्जेम्प्टेड होती है। रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन को दी हुई प्रॉपर्टी भी एग्जेम्प्टेड है सेक्शन 10 सबसेक्शन 24 के तहत। लेटिंग ऑफ गोडाउन एंड वेयर हाउस सेक्शन 10 सबसेक्शन 29 के तहत एग्जेम्प्टेड है। रिलीजियस चैरिटेबल पर्पस के लिए अगर हम कोई प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं तो सेक्शन 11 के तहत वो भी एग्जेम्प्टेड रहेगी, ठीक है। ये हमारे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के रूल्स थे। होपली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।